कि जो भी एग्जाम छूट गया है उसका एग्जाम अप्रैल में होगा। पहले का कारण क्या था? क्या हुआ? पूरी बात बताइए, क्या हुआ? कल हम एग्जाम देने के लिए आए, दो घंटा लेट हुआ, तो हम लोगों का लेट नहीं हुआ, स्कूल वाले से लेट हुआ है। तो हम लोगों का से सात बजे तक एग्जाम लिया गया है, तो वो ठीक है। आज सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ था, 15 मिनट नहीं दिया जा रहा था। फिर अभी कहा गया कि अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम होगा, जो सब्जेक्ट छूट गया अप्रैल में होगा। किसके कारण छूटा? छूटा किसके कारण? कॉलेज के कारण। कॉलेज के कारण? कारण क्या कारण था? टाइम पर हम लोग आए थे, हम लोग को टाइम पे घुसने नहीं दिया, हम लोग टाइम पे आए थे, नहीं घुसने नहीं दिया। 10 मिनट पहले बताया था कि चेंज कर दो, बोलिए ना। कल दिया था वहां से कल वहां का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम आपका? मुमताज। हम टाइम पर आए थे वो वाले कॉलेज में, एसएम वाले कॉलेज में, और हम लोग घूम रहे थे कॉलेज में। हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग का सेंटर यहाँ पहुँच गया। जब हम लोग घूमने लगे, बोले टाइम हो गया, हम लोग एग्जाम क्यों नहीं हो रहा? तो हम लोग मैम लोग से पूछा, एक तो कि मैम हम लोग का देखिए एग्जाम है, मैम क्या नहीं होगा? मैम बोली नहीं, तुम लोग का यहाँ पर नहीं, हम लोग को नहीं पता, हॉस्टल में जाके पता करो। हॉस्टल में जाके पता करो, तो बोला कि यहाँ तुम लोग का सेंटर पहुँच गया। 2:05 में यहाँ आए, बोले कि सर हम लोग को जाने दी, हम लोग को नहीं पता था, हम लोग का वहाँ सेंटर, कल हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग को घुसने नहीं दिया कॉलेज वाले। रोल नंबर चिपका हुआ था आप लोगों का, जी सेंटर चेंज होने वाले, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हम लोग को। पहले बता देते हम लोग को कि आप लोग का सेंटर यहाँ पहुँचने वाला, तो हम लोग यहाँ टाइम पे आ जाते। आज भी एग्जाम नहीं दे पाए? आज भी नहीं दिया गया एग्जाम लोग को। क्या नाम है? साबरीन परवीन। कुछ बच्चियाँ लेट आई हैं एग्जामिनेशन में, जिनको प्रवेश नहीं करने दिया गया था, वो लोग शोर मचा रही थी। उन्हीं के सूचना मिली कि उनके द्वारा कुछ यहाँ पे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा रही है, तो देखने आए, उन लोगों को समझा दिया गया है। वे लोग कल से एग्जामिनेशन देंगी, और आज का जो उनका एग्जाम जिसमें लेट आई थी, वो अप्रैल में एग्जामिनेशन होंगी, उस एग्जामिनेशन में अपियर होके फिर अपना रिजल्ट आगे प्राप्त कर। तो सेंटर चेंज नहीं हुआ, दोनों भवन है। हाँ। दोनों भवन में है, तो बच्चों में हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो कि ये भवन है या वो भवन है। हाँ। इस कारण से बच्चों में कंफ्यूजन के कारण हो सकती है स्थिति होगी, लेकिन वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, एक पेपर पे छपा हुआ लगा हुआ है कि सेंटर यहाँ पे है, इस बिल्डिंग में है, वो वहाँ सूचना प्रदर्शित की हुई है। लेकिन यदि सर ऐसा कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण यदि ऐसा हुआ, सिर्फ तीन, अगर ऐसी स्थिति होती तो बहुत बच्चों का एग्जाम छूटता, मात्र तीन बच्चों का एग्जाम छूटा है, क्योंकि वे लापरवाह थी, लेट आई हैं, इस कारण से उनका एग्जाम छूटा है। बाकी जो भी बच्चे थे वे लोग अपीयर हुए हैं और उन्होंने एग्जाम दिया। कल भी सर वही हुआ था? कल उनका कन्फ्यूजन की जानकारी मुझे मिली थी लेट में, लेकिन उसमें कुछ दूसरा कंडीशन था। बच्चियां यहां और वहां सेंटर होने से बिल्डिंग को समझ नहीं पाई थी, और कमरे नंबर में कन्फ्यूजन के कारण वो गलत गलत बैठ गई थी, जिनको फिर मैनेज करके ढंग से बिठाया गया। लगातार सर यहीं पर ये लगातार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे लगातार कल और आज दो दिन एग्जामिनेशन हुआ है। कल दोनों दिन बच्चियों की ही गड़बड़ी थी, क्योंकि दूसरे कमरे में बच्चियां बैठ गई थी, और आज मात्र तीन बच्चियां जो लेट आई थी सुबह के फर्स्ट सिटिंग में, उनको समस्या हुई है, और किन्हीं को समस्या। गाइड करने के लिए क्यों नहीं था सेंटर? गाइड करने के लिए वो सेंटर सुपरिटेंडेंट आपको बता पाएंगे, इसके संबंध में सेंटर सुपरिटेंडेंट आपको। प्रथम पाली में मैथ की एग्जामिनेशन है, मैथ के एग्जामिनेशन में 400 विद्यार्थी ही मात्र थे। 400 विद्यार्थी होने की वजह से हमारे एक ही कक्ष में ऐसे सारे आयोजन ऐसे तैयारी ऐसे कर ली गई थी, क्योंकि बच्चे ऐसे के काफ़ी विलम्ब से आए, और ऐसे प्रातः पाली में 9:20 के बाद बच्चों को एंट्रेंस नहीं दी जानी है। एडमिट कार्ड में भी है कि सारे बच्चे 9:20 में ही आएंगे, और जो बच्चे विलम्ब से आएंगे उनको ऐसे प्रवेश नहीं दी जाएगी। ये ऐसे कि चूंकि दो ब्लॉक थे, इस वजह से ऐसे थोड़ी अफरा तफरी ऐसे कि बच्चे समझ नहीं पाए। एकेडमी ब्लॉक के बच्चे ऐसे कि परीक्षा भवन में आ गए, और परीक्षा भवन के बच्चे एकेडमिक ब्लॉक में आ गए। छात्रों का एग्जाम छूटा, क्या उन्हें एग्जाम देने दिया जाए? अप्रैल महीने में ऐसे कि इनकी ऐसे कि स्पेशल एग्जामिनेशन ली जाती है, और उसकी रिजल्ट ऐसे कि मई महीने में दी जाती है, ये पब्लिश की जाती है। और ये सारे बच्चों को ऐसे कि कहा है मैंने, आप लोगों को पहले भी मैंने ऐसे कहा है कि जो बच्चे ऐसे कि किसी कारण बस छूट जाते हैं, उनकी स्पेशल एग्जामिनेशन मई अप्रैल महीने में ली जाती है, और उसका रिजल्ट ऐसे कि मई महीने में हो जाती है। तो ऐसा क्या आपसे ये हो गया है कि इस तरह से ऐसे कि आज में हमारी कोई गलती नहीं है? कल गलती थी, कल कोई गलती नहीं थी, व्यवस्था ऐसे कि बच्चे समझ नहीं पाए इस वजह से। गलती नहीं,
जाना पड़ा सर कहीं ना कहीं इन्विजिलेटर में सवाल किया। बच्चे चूंकि बच्चे को चूंकि समझाना था और बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, उनके गार्जियन समझ नहीं पा रहे थे, इस वजह से हम लोग उनको आना पड़ा। सर जैसे कि वहाँ से सेंटर नहीं बदला नहीं है, सेंटर तो आपका है सुंदरवती महिला कॉलेज ही है। बदला तो तब जाता ना कि सुंदरवती महिला कॉलेज को उठा करके हम लोग जिला स्कूल में ले जाते, जिला स्कूल को सुंदरवती महिला। भवन है से कि एक ही संस्थान की भवन है, उसमें है से कि भवन है से कि अब हम लोग है से सारे परीक्षा भवन में है से दूरी होने की वजह से डायरेक्शन नहीं मिला सही से, इसीलिए बच्चे नहीं। हम तो यहाँ से बता रहे हैं, आप लोग तो अभी आ रहे हैं ना, 6 बजे से मैं यहाँ मौजूद हूँ सर। कल आपके रहते हुए सर हंगामा हो जाए, फायदा क्या है?